दोस्तों आज बात करने वाले हैं क्यूनिसेफ ओ टेबलेट के बारे में। क्यूनिसेफ ओ टेबलेट का यूज, डोज, बेनिफिट एंड साइड इफेक्ट सब कुछ बताऊंगा। बने रहिए हमारे चैनल पर और लास्ट तक देखिए, तभी आप सबको अच्छे से जानकारी मिल पाएगी यह टेबलेट किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा, हम कोई वीडियो बनाएंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुँचती रहेगी। आइए बात करते हैं क्यूनिसेफ ओ टेबलेट के बारे में। क्यूनिसेफ ओ टेबलेट का इस्तेमाल मुख्य रूप से बैक्टीरियस होने वाले इन्फेक्शन के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और किन किन प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल किया जाता है मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पहले आप इसका पैकिंग देख लीजिए। ये एक पत्ते में 10 टेबलेट आता है। इसका प्राइस होता है लगभग 420 रुपये और इसे कंपनी बनाती है एमक्योर की। और इसमें कॉम्पोजिशन होता है सेफेगिन 200 mg और फ्लॉक्सासिन 200 mg। चलिए अब हम बताते हैं इसका इस्तेमाल किन किन प्रॉब्लम में किया जाता है। तो जिन लोगों को चोट वगैरह लग गई हो, थोड़ा फुंसी हो गया हो, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसमें बहुत अच्छा काम करता है, उसको ठीक कर देता है। या फिर जिन लोगों को चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया हो, खांसी वगैरह आ रहा हो, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसमें बहुत अच्छा काम करता है, उसको धीरे धीरे करके ठीक कर देता है। या फिर जिन लोगों को यूरिन में इन्फेक्शन हो गया हो, यानी पेशाब करने में दर्द हो, पेशाब करने में जलन हो, पेशाब रुक रुक कर आ रहा हो, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसमें बहुत अच्छा काम करता है और उसको धीरे धीरे करके ठीक कर देता है। या फिर जिन लोगों को टाइफाइड बुखार हो गया हो, या टाइफाइड बुखार को भी ठीक कर देता है धीरे धीरे करके। या फिर जिन लोगों को ऑपरेशन वगैरह हुआ हो, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, धीरे धीरे करके सुखा देता है। और जिन लोगों को एक्सीडेंट वगैरह हो गई हो, चोट वगैरह लग गई हो, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है, या घाव को भर देता है धीरे धीरे करके और ठीक कर देता है। चलिए अब हम बताते हैं इसका इस्तेमाल किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो जो महिला गर्भवती हो वो इसका इस्तेमाल अपने मर्जी से ना करें, और जो महिला अपने बच्चों का स्तन पान कराती हैं वो भी इसका इस्तेमाल अपने मर्जी से ना करें, और 14 साल से कम उम्र के बच्चे भी इसका इस्तेमाल अपने मर्जी से ना करें। अगर ये लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले डॉक्टर की सलाह लें, फिर इस्तेमाल करें, बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवा यूज ना करें। चलिए अब हम बताते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो गोली खाने के बाद अगर आपको उल्टी जैसा लगे या उल्टी होने लगे तो आप समझ जाइए आपको ये सूट नहीं कर रहा है। या फिर आपको दस्त होने लगे तो भी आप समझ जाइए आपको ये सूट नहीं कर रहा है। या फिर आपके सिर में दर्द होने लगे तो भी आप समझ जाइए आपको ये सूट नहीं कर रहा है। या फिर आपको खुजली होने लगे तो भी आप समझ जाइए आपको ये सूट नहीं कर रहा है। दोस्तों कोई भी दवा यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें, फिर इस्तेमाल करें, बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवा यूज ना करें। दोस्तों आज का हमारा वीडियो समाप्त हुआ, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।